बड़ा भक्त था, भगवान का भगत था। भक्त भगवान मेरे पिता तो मेरे संकट मोचन दर्शन करके आता था, पहले दर्शन करने जाता था। राम नमस्ते हम रहता सीताराम रहता गाता बजाता भी मंडली में साथ ले जाती रही, पता नहीं इसको नसीब में क्या लिखा था। इतना परसवार्थी था, सबको बरसात करता था, अपना काम धन घर छोड़ के परसवार बहुत करता था। किस्मत में क्या लिखा है, क्या नसीब नहीं जाता। आखिरी बार कब आया था माता जी घर? एक हफ्ते हो गए जब से गए, दूर से कोई बातचीत नहीं है, फोन भी सुन जाता है। लवलीस कौन है आपका? लड़का है। आपको कुछ जानकारी हुई है कि कल एक शूट आउट हुआ है उसमें लवलीस का नाम बताया जा रहा है? हाँ, टीवी में देखा। कैसा है ये लवलीस और किस तरह से ये कैसे वहाँ पहुँच गया, कुछ जानकारी है आपको? हमें कोई जानकारी नहीं है ना, हम लोगों से इससे कोई मतलब नहीं। ये क्या घर में नहीं रहता था? ना। अच्छा, कब से प्रयागराज में रह रहा है ये? हमें नहीं मालूम। अच्छा, यहाँ घर में आखिरी बार कब आया था? ये 7-8 फुट 5-6 रोज पहले था। हमसे घर से किसी कोई चीज से मतलब गज नहीं आता था, अपना नहा धो के जब भी 4-6 रोज में आता था नहा धो के अपना निकल जाता था। अच्छा, ना किसी चीज से मतलब था। अच्छा, प्रयागराज ये आता जाता था, ये आपको बताता था कभी? ना कभी हमसे बातचीत नहीं हुई। पूरा मोहल्ला बता सकता है, पूरा घर बता सकता है, हर आदमी के हमसे लोगों से कोई मतलब गज नहीं थे। सालों से बोल चाल बंद है। जब उस लड़की की थप्पड़ मारा था, उसका एक केस चल रहा है। कौन सा केस? अरे, एक बिटिया को थप्पड़ मार दिया था इसी चौराहे में, उसका मुकदमा चल रहा है। फिर क्या हुआ था? उसमें जेल गया था? दोस्तों, हाँ, उसमें जेल गया था। तो जमानत से कब छूट के आया था? अरे, हमको याद नहीं, 1-1.5 साल पहले की बात है। अच्छा, अभी ये 5-6 दिन पहले यहाँ घर से निकला है जी। क्या करता है वैसे, क्या काम है इसका? कुछ नहीं, काम नहीं, नशा करता है। नशेड़ी आदमी, इसीलिए बिल्कुल सब लोगों ने त्याग दिया घर बहुत पहले से। ये जानकारी कैसे हुई कि कल ये भी साथ मिलता सोटो? टीवी देख रहे थे अभी। कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे हम, कि जैसे उसने जो वारदात को अंजाम दिया है, कहा कहेंगे? कहने लायक क्या रहे, सब जन के हमारे पास कुछ